जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे जबकि हजारों घायल हो गए। जिस दिन यह क्रूरतम घटना हुई उसी दिन बैसाखी भी थी। इसी हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंत की शुरुआत हुई। इसी के बाद देश को उधम सिंह जैसा क्रांतिकारी मिला और भगत सिंह के दिलों में समेत कई युवाओं में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेंपल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। उस दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला भी लगता था जिसमें शामिल होने के लिए उस दिन सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे। तब उस समय के ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेल्ड डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की लेकिन रास्ता बहुत संकरा था और डायर के फौजें उसे रोककर खड़ी थी। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और हिंदुस्तानी जान बचाने में नाकाम रहे। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके लगभग 10 मिनट तक गोलियां बरसाई। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब गोलियां खत्म हो गई तभी उनके हाथ रुके। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। आज भी जलियांवाला बाग में यह मौजूद है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों का शिकार हो गए थे। जनरल डायर रॉल्ट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था और उसे इसका विरोध मंजूर नहीं था। उसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन इसके ठीक उलट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा देश आंदोलित हो उठा। हत्याकांड की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। आखिरकार दबाव में भारत सरकार के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डायर का डिमोशन कर उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन गए। वहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी चढ़ा दिया गया। उत्तराखंड के उधम नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जो लोग जलियांवाला बाग की घटना के दौरान शहीद हुए थे हम उन्हें नमन करते हैं। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका त्याग आने वाले कई वर्षों तक देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद।